सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम दीप्ति है और मैं अपनी कविता के लिए दो लाइन कहूंगी कि ये जो मेरी कविता है वो महाभारत रूपी सागर की एक छोटी सी सरिता है। तो दृश्य कुछ इस प्रकार का है कि कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन अपनों से ही युद्ध लड़ने के कारण युद्ध से इनकार कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके सारथी बने हुए हैं, वो रथ को युद्ध के मैदान के बीचों बीच में ले जाते हैं और अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। बनकर हत्यारा परिजन का मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। बनकर हत्यारा परिजन का मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। जब प्रत्युंचा पर तीर चढ़ेगा मेरे हाथों में कंपन होगा। जब प्रत्युंचा पर तीर चढ़ेगा मेरे हाथों में कंपन होगा। मैं कैसे तीर चलाऊं कान्हा, ये कार्य न मुझसे संपन्न होगा। मैं कैसे तीर चलाऊं कान्हा, ये कार्य न मुझसे संपन्न होगा। जिन हाथों ने है मुझे खिलाया, जो सदा रहे हैं मेरा साया। जिन हाथों ने है मुझे खिलाया, जो सदा रहे हैं मेरा साया। मुझे आज उन्हीं से लड़ना है, ये कैसी रची है तेरी माया। बड़ा कठिन समय ये आया है, बड़ा कठिन समय ये आया है, मानो हृदय कठोर बनाना है। बड़ा कठिन समय ये आया है, मानो हृदय कठोर बनाना है। जिन भाई संग में बड़ा हुआ उनका ही रक्त बहाना है। अर्जुन फिर बोले, ओ माधव, मैंने थामा मुह का दामन। अर्जुन फिर बोले, ओ माधव, मैंने थामा मुह का दामन। कैसे खुद को मैं समझाऊं, बड़ा धुंधला दिखे है ये दर्पण। कैसे खुद को मैं समझाऊं, बड़ा धुंधला दिखे है ये दर्पण। माना ये युद्ध जरूरी है, मेरी तैयारी भी पूरी है। माना ये युद्ध जरूरी है, मेरी तैयारी भी पूरी है। फिर भी माधव मैं कहता तुमसे, फिर भी माधव मैं कहता तुमसे, गर जीत लिया ये युद्ध मैंने। फिर भी माधव मैं कहता तुमसे, गर जीत लिया ये युद्ध मैंने। फिर भी जीवित ना रह पाऊंगा, इससे बेहतर है युद्ध हार मैं भीख मांग कर खाऊंगा। अपने ही कुल का नाश करूं, अपने ही कुल का नाश करूं, कैसे खुद पर विश्वास करूं। अपने ही कुल का नाश करूं, कैसे खुद पर विश्वास करूं। ये धनुष बाण हाथों से गिरे, कैसे युद्ध ऐलान करूं, कैसे युद्ध ऐलान करूं। कान्हा थे सब कुछ सुन रहे, मन में रणनीति बुन रहे। कान्हा थे सब कुछ सुन रहे, मन में रणनीति बुन रहे। अब कृष्ण के कहने की बारी थी, युद्ध के आरंभ की तैयारी थी। अब कृष्ण के कहने की बारी थी, युद्ध के आरंभ की तैयारी थी। कृष्णा ने फिर संवाद किया, धुंधले दर्पण को साफ किया। कृष्णा ने फिर संवाद किया, धुंधले दर्पण को साफ किया। अर्जुन तुम बड़े दयालु हो, शत्रु को भी तुमने माफ किया। तुम मेरा ही एक रूप हो अर्जुन, तुम में दया अपार है। तुम मेरा ही एक रूप हो अर्जुन, तुम में दया अपार है। लेकिन ये कौरव दुष्ट बड़े तुम्हें करना इन पर वार है। लेकिन ये कौरव दुष्ट बड़े तुम्हें करना इन पर वार है। ये भाई बंधु हैं तेरे, ये गुरुजन परिजन हैं तेरे। ये भाई बंधु हैं तेरे, ये गुरुजन परिजन हैं तेरे। पर मत भूलो ये बात, सखा सब शत्रु बने हुए तेरे। ये धर्म भुला बैठे हैं सब, सब मार्ग से भटके बैठे हैं। ये धर्म भुला बैठे हैं सब, ये मार्ग से भटके बैठे हैं। जो साथ दे रहे कौरव का, सब तमस में अटके बैठे हैं। और क्यों रोता इस देह की खातिर, यह तो नश्वर माटी है। और क्यों रोता इस देह की खातिर, यह तो नश्वर माटी है। मोह न कर तू पार्थ प्यारे, तू योद्धा वीर प्रतापी है। बस जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। युद्ध लड़ो तुम कुंती पुत्र, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। गर युद्ध से पीछे हट जाओगे, अज्ञान के तमस में गिर जाओगे। गर युद्ध से पीछे हट जाओगे, अज्ञान के तमस में गिर जाओगे। दर्पण में खुद को देखोगे, जब खुद युद्ध से भागे कहलाओगे। ये युद्ध तुमको लड़ना है, ये युद्ध तो तुमको लड़ना है। साहस से आगे बढ़ना है, अपने बाणों से आज तुम्हें दुष्टों का संहार करना है। दुष्टों का संहार करना है। आखिर में कृष्ण कहते हैं, सारे धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आओ अर्जुन। सारे धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आओ अर्जुन। धनुष बाण हाथों में लेकर प्रत्युंचा पे तीर चढ़ाओ अर्जुन। प्रत्युंचा पे तीर चढ़ाओ अर्जुन। फिर कहते माधव, वो भारत। फिर कहते माधव, ओ भारत, तू आज मेरी ये बात सुन। फिर कहते माधव, वो भारत, तू आज मेरी ये बात सुन। धर्म अधर्म के रस्ते में तू धर्म का केवल मार्ग चुन। तू धर्म का केवल मार्ग चुन।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।